इधर आकाश में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इससे छठ करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम ठंडा हो गया है। बादल और बारिश के कारण व्रतियों को लकड़ी और गेहूं सुखाने में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया था कि 20 और 21 नवंबर को भी मौसम इसी तरह रह सकता है, और ऐसे में बारिश की वजह से जो है छठ की तैयारी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया है। एक और टफ सिक्किम के मध्य प्रदेश तक जा रहा है, जो झारखंड के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके असर से पूरे झारखंड पर कल से ही बादल छाए हुए हैं। कल लोहरदगा में भारी बारिश भी दर्ज की गई है। गुरुवार और शुक्रवार को भी बारिश हो सकती है। एक जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली, और जो सबसे अधिक बारिश थी वो 38.2 मिलीमीटर लोहरदगा में देखने को मिली। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस बोकारो में रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को पहले पहर राजधानी रांची में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है, मगर फिर दूसरे पहर मौसम साफ हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक यह सिलसिला 21 से 22 नवंबर तक जारी रह सकता है। उसके बाद तेजी से तापमान में गिरावट भी आएगी। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बारिश बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, हल्के से मध्यम दर्जे में भी और खासकर हल्के साइड में ही ज्यादा रहने की बारिश की संभावना है। नवंबर अब आधा गुजर चुका है और अब तक लोग सर्दी का इंतजार ही कर रहे हैं, मगर अब इस बारिश के बाद हवा की दिशा में जल्द परिवर्तन होगा, और जब हवा पश्चिमी दिशा से सेट हो जाएगी तो फिर पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर झारखंड के तापमान पर भी दिखाई देने लगेगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।